हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय एनबी क्लासेस। आज मैं आपको इस वीडियो में डेटा हैंडलिंग का एक्सरसाइज 16.3 बताऊंगी। एक्सरसाइज 16.1 और 16.2 ये मेरे आपको इस चैनल में मिल जाएंगे, आप वीडियोस में जाके सर्च कर सकते हैं। चलिए, इसमें टोटल 1 से 6 तक क्वेश्चंस हैं, उन सभी के सॉल्यूशंस आपको इस वीडियो में मिलेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं, तभी आपको मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिल सकेगा। चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 16.3। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सम इवेंट्स आर लिस्टेड बिलो, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर सर्टेन, इम्पॉसिबल और कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चूजिंग ए येलो मार्बल फ्रॉम ए जार कंटेनिंग 2 रेड 3 ब्लू एंड 4 ग्रीन बॉल्स। एक जार है, ठीक है, जिसमें 2 रेड बॉल है 3 ब्लू बॉल है 4 ग्रीन बॉल है। क्या आपको उस जार में से येलो बॉल मिलेगा? नहीं मिलेगा, येलो मार्बल तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि येलो कलर का मार्बल तो है ही नहीं, तो ये इम्पॉसिबल बात हुई। ठीक है, नंबर बी पढ़ते हैं, लैंडिंग ऑन ए नंबर लेस देन 8 ऑन स्पिनिंग ए स्पिनर नंबर 1 to 7। बोल रहा है कि एक स्पिनर है, उसमें टोटल 1 से 7 तक नंबर है, ठीक है, आपको 8 से कम नंबर उसमें ढूंढना है। तो ये तो आपको निश्चित है कि 8 से कम नंबर ही मिलेंगे, क्योंकि उस स्पिनर में 1 से 7 तक मार्क किया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए सर्टन आंसर हुआ, निश्चित। सर्टन मतलब निश्चित ही मिलना है, 8 से कम नंबर तो उसमें मिल ही जाएगा, मिलना है, तो दैट इज सर्टन। नंबर सी देखिए, मैथमेटिक्स टीचर ऑफ क्लास 7B नॉट टर्निंग अप टुडे। कहने का मतलब है, मैथमेटिक्स के जो टीचर है, क्लास 7B के मैथमेटिक्स जो टीचर है, वो पहुंच भी सकते हैं नहीं भी, तो नॉट टर्निंग अप टुडे, आज दिखे नहीं, तो हो भी सकता है, कैन हैपन, दिख भी सकते हैं, बट नॉट सर्टेन, लेकिन निश्चित नहीं कहा जा सकता है। चलिए नंबर डी पढ़ते हम लोग। नाउ कम टू नंबर डी, 13 मंथ्स इन अ ईयर, एक साल में तो 12 मंथ्स होते हैं, तो 13 मंथ्स तो पॉसिबल ही नहीं, तो इसीलिए इसका आंसर इम्पॉसिबल है। ए मंथ हैविंग एटलीस्ट 4 संडेज, एक महीना में कम से कम 4 संडेज, वो तो आता ही है, निश्चित है, यानी कि सर्टेन है आंसर। एफ नंबर, चूजिंग ए प्राइम नंबर फ्रॉम स्ट्रिप्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10। बोलता है आपको 1 से 10 तक, 1 से लेकर 10 तक के नंबर में आपको प्राइम नंबर चूज करना है, तो ये हो भी सकता है और ये निश्चित भी नहीं है, ठीक है, हो सकता है पर ये निश्चित नहीं कि वही नंबर आए, प्राइम नंबर ही आए, तो इसीलिए कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिया विल ग्रो ए ईयर ओल्डर ऑन हर बर्थडे, रिया जो है अपने बर्थडे में 1 साल बड़ी हो जाएगी, तो ये तो निश्चित है, सर्टन है कि ये होना ही है, कि रिया जो है अपने बर्थडे में 1 साल बड़ी हो जाएगी, ठीक है, तो ये सर्टन होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द वर्ड ऑस्टियोपोरोसिस, ये ऑस्टियोपोरोसिस एक वर्ड है, इसमें बोला गया पहला क्वेश्चन में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए वोवेल फ्रॉम द वर्ड, उस वर्ड में से आपको वोवेल निकालना है, तो नंबर ऑफ वोवेल 6 है, ओ ई ओ ओ ओ आई, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, 12 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए वोवेल यानी कि 6/2, क्योंकि देखिए टोटल वोवेल्स तो 6 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 12 है, ये सभी को काउंट करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस को, तो वो 12 आते हैं, ये सभी लेटर्स को देखिए आप इधर, ऑस्टियोपोरोसिस को काउंट करेंगे तो ये टोटल 12 आएगा, ठीक है, तो इसीलिए 6/12 यानी कि 1/2। चलिए नंबर बी देख लेते हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एन ओ फ्रॉम द वर्ड, वो वर्ड आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और देखिए टोटल 4 ओ आएगा, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो वही रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एन ओ 4/12 दैट इज 1/3। चलिए नंबर बी देख लेते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेलेक्टिंग एन ओ फ्रॉम द वर्ड, ओ सेलेक्ट नहीं करना है, तो 4 ओ था तो 12 में से 4 घट गया यानी कि 8/12 दैट इज 2/3 आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, ए बास्केट, एक बास्केट में 7 रेड बॉल है 3 ग्रीन बॉल है और 5 येलो बॉल है, आपको बताना है कि रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड बॉल आप निकालोगे ये क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि रेड बॉल ही निकले, ठीक है, उस बास्केट में सब तो मिक्स बॉल रहेगा, तो ये क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि आपका रेड बॉल ही आपके हाथ में है, तो वही निकालना है आपको प्रोबेबिलिटी। इफ़ 2 बॉल्स आर एडेड टू द बास्केट, दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि अगर बास्केट में 2 बॉल को ब्लू बॉल को और ऐड कर लिया जाए और 3 रेड बॉल को पेंट कर दिया जाए ब्लू, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लू बॉल, तो आपको ब्लू बॉल कैसे मिलेगा, तो देखिए मैंने यहाँ पर बनाया हुआ, इसको देख लीजिए, ए बास्केट कंटेन्स 7 रेड बॉल्स 3 ग्रीन बॉल्स 5 येलो बॉल्स, तो टोटल नंबर बॉल्स कितने होंगे, 15, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल, तो रेड बॉल कितना था 7, तो 7/15, ये पहला आंसर आया। दूसरा देखते हैं,
when two blue balls are added to basket, basket में दो blue ball और add किया गया, पहले 15 था total, अब two ball add किया गया तो 17 balls हो गया. Three red balls are painted blue, तीन red ball को blue paint किया गया. तो देखिए अब क्या नया number निकल रहा है सभी balls का. Blue balls कितना मेरे पास हो गया, 5, 3 हो गया ये था और plus 2 यानी कि 5. रेड बॉल हो गया 4, क्योंकि 7 में से 3 घटा देना है, 7 रेड बॉल था, आप देखिए 7 रेड बॉल था तो उसमें से 3 को पेंट कर लिया गया यानी कि 4 रेड बॉल बचा. ग्रीन तो 3 था, येलो 5 था, तो टोटल 17. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लू बॉल क्या हो जाएगा, 5/17 आंसर. चलिए 4 नंबर यहाँ पर देख लेते हैं. इन फिगर 16.8 ये फिगर दिया हुआ है स्पिनर का. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर. तो देखिए 1 से लेकर टोटल 8 तक दिया हुआ नंबर, टोटल नंबर कितना हो गया 8, ऑड नंबर कितना हो जाएगा 1, 3, 5, 7, यानी कि टोटल ऑड नंबर 4 मिल जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर 4/8 दैट इज 1/2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी पढ़ते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3. तो 3 का मल्टीपल क्या होता है, एक तो 3 होता है, एक 6 होता है, यानी कि 2 मिल गया हमको. टोटल नंबर तो 8 ही है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए मल्टीपल ऑफ 3 2/8 दैट इज 1/4, क्योंकि 2 ही मल्टीपल मिला 3 का, 1 से 8 के बीच में. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 9 तो मिल ही नहीं सकता क्योंकि 1 से 8 तक ही मार्क किया हुआ स्पिनर में, तो 0/8 दैट इज 0. चलिए डी नंबर देख लेते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 5 से कम तो नंबर मिल ही जाएगा आपको स्पिनर में, 1, 2, 3, 4. तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा 8. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 5 जो कि 4/8, क्योंकि 4 नंबर मिले थे मुझे 5 से कम, तो 4/8 दैट इज हाफ यानी कि 1/2 आंसर. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ई देख लेते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर विच इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 7, यानी कि एक ऐसा नंबर जो कि 2 से बड़ा हो और 7 से कम हो, तो उस स्पिनर में आपको नंबर मिल जाएंगे 3, 4, 5, 6, और टोटल नंबर तो है ही, टोटल आउटकम्स 8. तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 7 4/8 दैट इज हाफ, क्योंकि 4 नंबर मिले थे, 2 से बड़ा, 7 से छोटा. ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. 5 नंबर. फाइंड द सैम्पल स्पेस ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स. देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ए फेयर कॉइन एंड ए डाइस इज रॉड टुगेदर. बोलता है एक कॉइन और एक डाइस को रोल के, डाइस मतलब छक्का यानी कि जो लूडो में खेला जाता है, तो कॉइन को टॉस किया जा रहा है और डाइस को रोल्ड किया जा रहा है, मतलब घुमाया जा रहा है. तो टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेली आएगा आपके पास, दोनों में से कोई एक ही आने वाला है. रोल करने पर या तो 1 से 6 तक नंबर के बीच में कुछ भी आ सकता है. तो देखिए कैसे बनाएंगे. व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड आइदर वी गेट हेड और टेल. ठीक है, लेट हेड को एच मान लेते हैं, टेल को टी मान लेंगे. सिमिलरली व्हेन ए डाइस इज रोल्ड द पॉसिबल रिजल्ट्स आर 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो इन सभी में से आपको कोई सा भी नंबर मिल सकता है छक्का को रोल्ड करने पर, डाइस को रोल्ड करने पर. हेंस टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट. तो उस एक्सपेरिमेंट में हम लोग को क्या क्या प्राप्त हुआ वो आपको लिखना है, क्या क्या मिल सकता है, मिलने की संभावना है यानी कि पॉसिबिलिटी है. तो एस क्या है, सैम्पल स्पेस. हेड यहाँ पर भी मैंने बनाया था, यहाँ पर इसे भी आप देख सकते हैं और यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, खुद से आंसर बना सकते हैं. तो अगर आपके पास हेड है तो हो सकता है 1 हो, हेड आया तो हो सकता है उसके साथ 2 आ जाए, हेड है उसके साथ 3, हेड है उसके साथ 4, तो कुछ भी इन सभी में से नंबर आ सकते हैं. तो यही आपको नोट डाउन करना है अपने कॉपी में. चलिए बी का 5 देख लेते हैं. 3 कॉइन्स आर टॉस्ड एट द सेम टाइम. 3 कॉइन को एक ही समय में टॉस किया गया, यानी देखिए कॉइन 1, कॉइन 2, कॉइन 3 है. ठीक है, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वी गेट आइदर, या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा आपको. हेड को ऐसे डिनोट करना है, टेल को टी से डिनोट करना है. उसके बाद सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसी को आपको उतार देना है, यहाँ पर इस ये जो बॉक्स मैंने बनाया है बस उसको यहाँ पर उतार देना है, क्योंकि आपके पास 3 कॉइन को टॉस करने पर ये सब पॉसिबिलिटीज़ आ सकते हैं. ठीक है, या तो हेड 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 आए तीनों कॉइन में, या तो हेड हेड टेल आए, तो इस तरह का कुछ पॉसिबिलिटीज़ यानी कि सैम्पल स्पेस हमको मिल सकता है. चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 6 बाय रोलिंग 2 फेयर डाइस. 2 डाइस को हम रोल करेंगे और दोनों का सम 6 आना चाहिए. तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स कर देंगे. इन केस ऑफ 2 डाइसेस टोटल आउटकम क्या हो जाएगा, 6 × 6 दैट इज 36. आपके बुक में दिया होगा कहीं कि 2 डाइस के लिए क्या जो बॉक्स में किस तरह से बनाया जाता है, वो बॉक्स में दिया होगा कि कैसे हम लोग नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो वो टोटल 36 आता है टोटल आउटकम. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फेवरेबल आउटकम इज ए सम ऑफ 6. ठीक है, 6 आना चाहिए दोनों को जोड़ के. वेज ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ऑफ 6, तो क्या क्या तरीका है कि हमको 6 प्राप्त होगा. 1, 5, 5, 1,
टू कमा फोर, फोर कमा टू, थ्री कमा थ्री, ये दोनों डाइस है ठीक है। इसमें एक डाइस में यह तो वन आ सकता है, दूसरे डाइस में फाइव, तो दोनों को जोड़ के क्या बन रहा है सिक्स ठीक है। एक डाइस में फाइव आया, दूसरे डाइस में वन आया, तो दोनों को जोड़ के क्या सिक्स, इन सभी को जोड़ने पर सिक्स ही आएगा। तो देर आर फाइव वेज टोटल ठीक है, फाइव वेज हो गया। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गया आपका, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गया 5/36, क्योंकि 36 टोटल आउटकम्स था और 5 आपका तरीका था, तो ये हो गया इसका 6 नंबर का आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारे सॉल्यूशंस आपके स्टडीज में जो हेल्प किया होगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप वॉचिंग एनबी क्लासेस, थैंक यू, बाय बाय।